आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर महानिदेशक संचालक लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश माननीय अन्वेष मंगलम के मार्गदर्शन में पास्को एक्ट के अंतर्गत आयु निर्धारण एवं विवेचना के विषय पर विवेचकों एवं संकुल प्राचार्य की एक दिवसीय दक्षता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी जगदीश चौहान के निर्देशन पर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विवेक सोमानी की अध्यक्षता में संपन्न कराई गई। पुलिस विभाग के उप निरीक्षक स्तर के विवेचकों एवं संकुल प्राचार्यों के पास्को एक्ट के अंतर्गत आयु निर्धारण एवं विवेचना के विषय पर दक्षता को बढ़ाने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सुबह 10 बजे से जिला पंचायत सभागार भवन नीमच में किया गया, जिसमें लगभग 55 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। मुख्य अतिथि विवेक कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट संजय कुमार जैन, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुरु प्रसाद, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला पंचायत नीमच सुंदर सिंह कनेश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद दारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमच सदाशिव दांगोड़े, JMFC नीमच FCK शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी नीमच द्वारा पास्को एक्ट अंतर्गत आयु निर्धारण एवं विवेचना में आने वाली कठिनाइयों के संबंध में व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। कार्यशाला में मुख्य अतिथि विवेक कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट नीमच द्वारा आयु निर्धारण एवं विवेचना में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के संबंध में विस्तृत व्याख्यान देते हुए बताया गया कि ऐसे अपराधों के प्रति सभी को संवेदनशील होना चाहिए। विवेचक का आयु के संबंध में कौन कौन से दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित की जानी चाहिए, इसके अतिरिक्त कौन कौन से साक्ष्य विधिक दृष्टि से मजबूत होते हैं व कौन सी कमजोरी होती है, तथा न्यायालय में साक्ष्य के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा पास्को एक्ट के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किए जाने एवं पीड़िता को भी विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से सहायता प्रदान करने के संबंध में मार्गदर्शन देते हुए प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब व शंकाओं का समाधान किया गया। कार्यशाला में सुंदर सिंह कनेश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यशाला में उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारियों को कार्यशाला में सक्रिय रूप से सहभागिता लेने एवं सीखे गए समस्त विधिक ज्ञान का प्रवर्तन विवेचना में किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। गुरु प्रसाद CEO जिला पंचायत नीमच द्वारा व्यक्त किया गया कि समाज में जो बालकों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, उससे बचाव एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने में यह कार्यशाला महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। संजय कुमार जैन, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच के द्वारा विवेचकों एवं संकुल प्राचार्यों को व्याख्यान देते हुए बताया गया कि उन्हें न्यायालय में साक्ष्य देने हेतु उपस्थित होने से पूर्व क्या क्या तैयारी करके आना चाहिए। CK शर्मा जिला शिक्षा अधिकारी नीमच के द्वारा सभी संकुल प्राचार्यों को निर्देशित किया गया कि उन्हें इस कार्यशाला में जो विधिक ज्ञान की प्राप्ति हो, उस संबंध में बालकों एवं उनके पालकों को जागरूक करना है, जिससे इस प्रकार के अपराधों के प्रति जागरूकता आए एवं उस पर रोक लगे। राजकुमार रामनानी, विशेष लोक अभियोजक एवं संचालक अभियोजन द्वारा बाल अपचारी की आयु के निर्धारण के संबंध में कानून प्रावधानों को समझाया गया। अरविंद दारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमच श्री सदाशिव दागोड़े, JMFC नीमच एवं जगदीश चौहान जिला अभियोजक अधिकारी द्वारा प्रतिभागियों के मार्गदर्शन प्रदान किए गए, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए एवं कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। कार्यशाला में आए अतिथियों का आभार व्यक्त चंद्रकांत नाफड़े ADPO द्वारा किया गया तथा मंच का संचालन योगेश कुमार तिवारी ADPO द्वारा किया गया।